हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडियन ऑटो मार्केट हैज फाइनली स्विच फ्रॉम BS4 टू BS6। हैरियर भी BS6 में आ चुकी है, क्रेटा भी BS6 में है, ब्रेजा भी BS6 पेट्रोल में है, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ब्रेजा को लॉन्च से पहले ही 10,000 प्लस बुकिंग्स आ गई थी, क्रेटा को 15,000 प्लस बुकिंग्स आ गई थी, और हैरियर पे भी आप बता रहा हूँ डीलर्स आर वेरी पेप्ड, दे आर सेइंग ऑलमोस्ट 7,000 प्लस बुकिंग है। टाटा मोटर्स अनऑफिशियल नंबर है, बट दे आर वेरी एक्साइटेड। लेकिन साहब, चूंकि गाड़ियां BS4 से BS6 में अपग्रेड हुई है, तो कार की टेक्नोलॉजी में कुछ एक मेजर परिवर्तन हुए हैं, कैटालिटिक्स में, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में, डीजल पर्टिकुलर फिल्टर में। तो कार अगर आप प्लान कर रहे हैं, स्पेशली डीजल कार, तो इन मॉडल्स के बारे में कुछ एक जरूरी जानकारी है, क्योंकि कार के जो कैटालिटिक्स हैं उसमें एक बड़ा मेजर अपग्रेड हुआ है SCR टेक्नोलॉजी में, तो वो आपको शेयर करने वाला हूं, ताकि आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा रहे। यू नीड टू नो इफ यू प्लानिंग टू बाय अ BS6 डीजल कार, बिकॉज कल ऐसा ना हो कि आप बोले कि मुझे ये चीज पता नहीं थी, एंड अगर ये चीज पता होती आई कुड हैव बीन मोर केयरफुल। दैट इज नंबर वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। नंबर टू, क्योंकि भारतीय ऑटो मार्केट में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पेट्रोल इंजन्स आर नॉट गेटिंग पॉपुलर, डीजल कार्स की डिमांड कम हो गई है, और इसीलिए पेट्रोल इंजन्स में आपको अब ग्रैंड आइटन नियोस टर्बो पेट्रोल में उपलब्ध है, और अभी टर्बो पेट्रोल में उपलब्ध है, वेन्यू भी टर्बो में है, क्रेटा भी जो अब आई है वो भी टर्बो पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है। इनफैक्ट देयर आर मेनी कार्स व्हिच एक्सपेक्टेड नेक्स्ट 12 मंथ्स और 18 मंथ्स इन द टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन्स। तो टर्बो पेट्रोल इंजन आप प्लान कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में कुछ एक जरूरी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको शेयर करने वाला हूं। नंबर थ्री, क्योंकि DCT ऑटोमेटिक, साहब अब ये चीज भी भारतीय मार्केट में पॉपुलर हो रही है, DCT कार्स आर वेरी फन टू ड्राइव, और DCT टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ एक जरूरी जानकारी, बिकॉज ये कार्स ओवरहीट कर देती हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में, ऐसा लोगों को कंप्लेंट्स आई हैं। तो DCT के बारे में कुछ एक जरूरी बातें वो आपको पता होनी चाहिए इफ यू प्लान टू बाय अ DCT कार, वो आपको शेयर करने वाला हूँ। नंबर वन, BS4 से BS6 में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ है? देखिए, BS4 से BS6 का जो पर्पस है वो है कार के एमिशंस कंट्रोल करना, एंड इन डीजल इंजन्स द चेंजेस आर वेरी एग्जॉस्टिव इन टर्म्स ऑफ डीजल पर्टिकुलर फिल्टर, कार के फ्यूल इंजन सिस्टम में और कार के सेलेक्टिव कैटालिटिक्स में चेंजेस किए हैं। SCR टेक्नोलॉजी आ गई। SCR टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कार में डीजल एग्जॉस्ट टैंक में एक सिस्टम बना दिया है जिसमें एक टैंक है अलग सा सेपरेट, उसमें डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डलता है। उसका पर्पस ये होता है, जो कार के एमिशंस होते हैं उसमें से NOx को काटता है। नाउ इसको आप एड ब्लू भी बोल सकते हैं, इसको आप डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी बोल सकते हैं। उस टैंक में तकरीबन 12 लीटर, 13 लीटर, 15 लीटर, डिपेंडिंग कौन सी आप कार ले रहे हैं, वो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड कंपनियां डालती हैं। नाउ बेसिस हाउ यू आर ड्राइविंग द कार, आपकी कार की कैसी माइलेज है, उस हिसाब से भी ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड कंज्यूम होता है। एक आपको अंदाजन दे रहा हूँ, साल भर या किलोमीटर्स के हिसाब से इट कैन रेंज फ्रॉम 8,000 टू 10,000 टू 12,000 टू 14,000 टू 15,000, डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चर, डिपेंडिंग ऑन द माइलेज, डिपेंडिंग ऑन द एग्जॉस्ट फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अब इसके बारे में जो सबसे खास बात है साहब, वो ये जान लीजिए, जब भी ये एग्जॉस्ट फ्लूइड खत्म होने वाला होगा, करीब 600 किलोमीटर पहले आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वार्निंग आ जाएगी दैट गेट दिस एग्जॉस्ट फ्लूइड रिफिल्ड एट एन ऑथोराइज्ड वर्कशॉप। अब साहब, कुछ लोग क्या होते हैं, कैजुअल होते हैं, कुछ लोग कहीं दिल्ली से, मान लीजिए आप दिल्ली बोल रहा हूँ, आप जो भी शहर में उससे बाहर होते हैं, बिजी रहते हैं काम में, ये आप जान लीजिए इसकी इंपॉर्टेंस वही है जैसे कार में पेट्रोल डीजल की इंपॉर्टेंस है। अगर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया साहब, आपकी कार एक इंच भी मूव नहीं कर पाएगी। उसी तरह से अगर ये एग्जॉस्ट फ्लूइड खत्म हो गया, यू वुड नॉट बी एबल टू स्टार्ट इन द कार। तो जो वो वार्निंग है 500-600 किलोमीटर की, इसके बारे में जान लीजिए, दैट यू विल नेवर नीड टू इग्नोर इन दैट वार्निंग। वो एग्जॉस्ट फ्लूइड आपको इमीडिएटली वर्कशॉप में जाके रिफिल करवाना पड़ेगा, बिकॉज जब अगर वो 500 किलोमीटर हो गए ना, आपको एक लास्ट वार्निंग आएगी, नेक्स्ट टाइम यू विल टर्न ऑफ द कार इंजन, यू वुड नॉट बी एबल टू स्टार्ट इन। एंड विश्वास मानिए, आप कहीं पे भी हैं हिंदुस्तान में, आप हाईवे पे भी हैं, अगर वो आपने उसके बाद इंजन ऑफ कर दिया, यू वुड नॉट बी एबल टू स्टार्ट इन, बिकॉज कार का एग्जॉस्ट फ्लूइड जब तक रिफिल नहीं होता, कोई भी कार स्टार्ट नहीं कर सकता है। पेट्रोल कार में ये एग्जॉस्ट फ्लूइड नहीं होता है। नाउ सेकंड पार्ट इज अबाउट DCT। देखिए, मैंने आपसे कहा भारतीय मार्केट में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स बहुत पॉपुलर हो रही है, उसमें कन्वीनियंस हो DCT की तो और मजा आता है। DCT का मतलब होता है ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, नाम में लिखा है ड्यूअल क्लच, इसके अंदर दो क्लचेस होते हैं। जैसे आप कार ड्राइव करते हैं, आपकी स्पीड के हिसाब से दोनों क्लचेस साइमल्टेनियसली एंगेज हो जाते हैं, ताकि आपको जर्क फ्री बेहतरीन आपको पिकअप मिले। लेकिन साहब, DCT में लोगों को एक इशू आ रहा है, विच इज कॉल्ड अ ट्रांसमिशन हीटअप इशू।
देखिए इसके बारे में जान लीजिए, जो ये डीसी टेक्नोलॉजी है ये वेरी करती है, कुछ कार्स में ड्राई क्लच आता है, कुछ कार्स में वेट क्लच आता है। वेट क्लच थोड़ा सा एक महंगी टेक्नोलॉजी है, उस एन एक्सपेंसिव थिंग, सो डैट्स व्हाई इट्स गिवन इन अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स। ऑडी में आता है, स्कोडा की ऑक्टाविया में आता है, सुपर में आता है, लेकिन ड्राई क्लच आपको मिलेगा वेन्यू में, क्रेटा में, सेल्टोस में, इवन एमजी हेक्टर का ड्राई क्लच, एंड समहाउ जीपी कंपस में भी आपको ड्यूल ड्राई क्लच सिस्टम मिलता है। अब ड्राई क्लच में क्या होता है साहब, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं, काफ़ी बार आप ब्रेक्स लगा रहे हैं, चल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी होती है कि ट्रांसमिशन सिस्टम आपका हीटअप कर जाए कार का। और इसके बारे में जान लीजिए, देर हैव बिन मेनी यूजर्स हु हैव बिन रिपोर्टिंग के साहब उनको ट्रांसमिशन हीटअप की प्रॉब्लम आई थी सेल्टोस में। तो इसलिए आपको बताने वाला हूँ दो चीज़ें जो आपको ज़रूर इंश्योर करनी है इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ डीसीटी कार। नंबर वन, जो ये ब्रेकिंग है ये हाफ ब्रेक्स करके ना चलाएं डीसीटी के अंदर, कि आप मानिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है तो वो डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन रखिए आगे वाली कार से। अगर आप हाफ ब्रेक करके चलाएंगे then there is a possibility that your transmission system can heat up and वो एक बात है। नंबर टू, DCT cars परफॉर्मेंस oriented होती है, उसमें जर्क नहीं होता है, आपको बेहतरीन लगती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। लेकिन लोग करते क्या है उसको, दे abuse इन द सिस्टम। सम ऑफ देम, अगर आप दोस्तों को यारों को कोई इसको गाड़ी दोगे ना तो वो कहता है ओए बड़ा बढ़िया पिकअप है, तो वो सर्च जो पिकअप लेता है, सडन जो एक्सेलरेशन लेता है, उससे भी ट्रांसमिशन में हीटअप होने की संभावनाएं होती हैं। तो एक आपके ड्राइविंग का तरीका है, अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं, इट इज़ बेटर टू पुट दिस गियर इन अ न्यूट्रल मोड इंस्टेड ऑफ स्लॉटिंग इन अ ड्राइव मोड। तो आइडलिंग में अगर आप इसको न्यूट्रल पे रखेंगे, अब ये चीज़ को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, एक डिस्टेंस आगे मेंटेन नहीं करेंगे, हाई स्पीड पर ड्राइव करेंगे, हाफ ब्रेक से डिवाइड करेंगे, तो साहब आपकी जो क्लच है वो अगर वियर एंड टीयर हो गया, इट कैन लीड टू वेरी हाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूँ, कंपस के पेट्रोल मैनुअल में अगर क्लच का सिस्टम रिप्लेस होता है खर्चा आता 10 से 12 हज़ार का, कंपस के डीजल मैनुअल में होता है खर्चा आता 18 से 20 हज़ार का। लेकिन साहब अगर कंपस का डीसीटी वाला सिस्टम, ये अगर उसमें क्लच का रिप्लेसमेंट हुआ ना, दिस विल कॉस्ट इन 75,000 रुपीज़। तो सब्सटैंशियल अमाउंट है, यू नीड टू इंश्योर डैट ये बेस्ट प्रैक्टिस आप अपनी कार में ज़रूर फॉलो करें। अगर इसी आप फॉलो करेंगे तो ही आप बोल सकते हैं कि ये जो डीसीटी कार है ये आपको बताऊं आपको लुभाएगी नहीं, तो आप बोलेंगे ये तो चक्कर ख़राब है। नंबर थ्री, इसी का पार्ट है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। अगर आप इवन मैनुअल ट्रांसमिशन का प्लान कर रहे हैं तो उसमें क्या ज़रूरी बात है वो जान लीजिए। अब टर्बोचार्जर के बारे में साहब खास बात ये है, देखिए टर्बोचार्ज पहले आता था डीजल कार्स में, नाउ इट इज स्टार्टेड कमिंग इन इवन इन पेट्रोल इंजन्स टू। वेन्यू भी उपलब्ध है, सेल्टोस में भी उपलब्ध है, क्रेटा में भी उपलब्ध है, इनफैक्ट ग्रैंड आई10 नियोस टर्बो पेट्रोल भी आ गई है, ऑरा पेट्रोल भी है, VW की पोलो है। तो टर्बोचार्ज जो पेट्रोल इंजन अगली आप मैनुअल ट्रांसमिशन कार ले रहे हैं तो उसमें जो खास बात ध्यान रखने योग्य है साहब वो ये है, जैसे कार के इंजन की स्पीड होती है उसमें एक आपने देखा होगा कि 1250 से 6000 RPM रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो उसी हिसाब से टर्बोचार्जर स्पिन करता है। और जो टर्बोचार्जर स्पिन करता है इट स्पिन्स एट वेरी हाई RPM, कैन रेंज फ्रॉम 10,000 टू इवन 2 लाख RPMs। तो बेब्लेड आप देख सकते हैं किस हिसाब से स्पिन कर रहा है, इससे कई गुना तेज ये कार का टर्बोचार्जर स्पिन करता है। और साहब इसके बारे में जान लीजिए, जब भी आप कोई टर्बो पेट्रोल इंजन डीजल कोई भी आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, आप उसमें आइडलिंग का कॉन्सेप्ट जरूर अपनाइए। आइडलिंग क्या होती है, जब भी आप कार का इग्निशन ऑन करते हैं फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड्स यू नीड टू एंश्योर डैट थोड़ा सा आप आइडलिंग करें, और कार चला भी लेते हैं तो आराम से विदाउट इंश्योरेंस कि हाई स्पीड पर ना जाएं। नंबर टू, अगर आप हाई डिस्टेंस हाई स्पीड ट्रेवल करके आ रहे हैं तो साहब इंजन को ऑफ कभी मत करिए, उससे क्या होता है वो ऑयल की सप्लाई रुक जाती है एंड इट कैन लीड टू प्री मैच्योर वेयर एंड टीयर ऑफ टर्बो। तो ज़रूरी बात है कि आपको इंश्योर करना है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन्स में, टर्बोचार्ज डीजल इंजन्स में, डैट एक आइडलिंग का कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा बेसिक है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे ना तो साहब टर्बो अगर ये फेल हो गया इट कैन इवन कॉस्ट अ सब्सटेंशियल अमाउंट, 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया, डिपेंडिंग कौन से आप मैनुफैक्चर की कार ले रहे हैं, इट कैन कॉस्ट अ सब्सटेंशियल अमाउंट। तो वो आप जान लीजिए, वो हेडेक से बचने के लिए बता रहा हूँ कि टर्बो के लिए सबसे ज़रूरी रहता है आइडलिंग एट द स्टार्ट एंड आइडलिंग एट द स्टॉप, तो वो आपको जान लेना ज़रूरी है।
So that was all about today's session. If in case you feel that this video is useful, video ko upvote kariye, video ko share kariye, chala MyCar Helpline ko subscribe kariye. Plus hamari website hai www.mycarhelpline.com. Website pe aake gaadiyon ke baare mein aap aur comprehensive information check kar sakte hain. Thank you.